और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, इस टॉपिक का नेम क्या है, फोर लूप के अंदर पिरामिड स्टार करवाएंगे और फोर लूप के अंदर रेक्टेंगल। कौन क्या है, फोर लूप हमने स्टार्ट करा रखा था, फोर लूप के अंदर क्या क्या प्रोग्राम करवाएंगे, पिरामिड स्टार और रेक्टेंगल स्टार, ये चीजें हम स्टार्ट करवाते हैं। सी लैंग्वेज क्या करेंगे, ओपन करते हैं सी लैंग्वेज, इसका साइज बड़ा करना है, ऑल्ट प्लस एंटर से सी लैंग्वेज के साइज को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। ऑल्ट एप न्यू पेज लेने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस एप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, एंटर किया न्यू पेज अपना ओपन हो जाएगा। एफ फाइव किस लिए होता है, फुल स्क्रीन के लिए इसका यूज किया जाता है। एफ फाइव फुल स्क्रीन के लिए एफ फाइव करोगे फिर वापिस अपना नॉर्मल साइज हो जाएगा। अब इसमें ऑल्ट प्लस एंटर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, ऑल्ट प्लस एंटर का यूज अपना साइज को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। अब अपना क्या है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसका नेम हम यहाँ पे फिल करते हैं, फॉर लूप इन पिरामिड स्टार। जो अपना प्रोग्राम है वो कौन सा है, पिरामिड स्टार। पिरामिड स्टार आपको पता होगा, स्टार पिरामिड क्या होता है, त्रिभुजाकार में इस टाइप से अपना स्टार शो करेगा। अब यहाँ पे किसका यूज किया हमने, हैश का यूज किया। ये किस लिए यूज करते हैं, अपने प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए हैश का यूज करते हैं। इंक्लूड क्या होता है, शामिल होना। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है वो किस लिए यूज करते हैं, प्रिंटअप और स्कैनअप के लिए stdio हेडर फाइल का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड कोनियो। कोनियो की फुल फॉर्म क्या रहेगी, अपनी कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल जो हेडर फाइल है वो किस लिए यूज करते हैं, उस हेडर फाइल का यूज होता है अपना clr scr और क्लियर स्क्रीन, यानी क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए किसका यूज करते हैं, कोनियो हेडर फाइल का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है, void। void क्या होता है, null। main क्या होगा, फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ से करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बीच में जो भी आप कोडिंग डालोगे, फॉर लूप की जो भी आप कोडिंग डालते हैं उस कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को शो करेगा। अब जो फॉर लूप है उसका सिंटैक्स आपको बताया था वो कैसे होता है, यहाँ पे भी आपको दोबारा से रिपीट करवा देते हैं कि जो सिंटैक्स होता है फॉर लूप का वो क्या है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या लिया, ए बी, दो वेरिएबल लिए हमने ए और बी। फिर हमने किसका यूज किया, यहाँ पे clr scr क्लियर स्क्रीन का यूज किया। ये किस लिए यूज होता है कि पहले वाले आउटपुट को हटा दे, अब वाले आउटपुट को शो करे। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर लूप हमने स्टार्ट किया। फॉर लूप के अंदर ए वन से चले और ए लेस देन इक्वल टेन, टेन तक चले, ए में क्या होता जाए प्लस प्लस, करली ब्रैकेट ओपन। इसमें क्या यूज किया हमने कि जो फॉर लूप के अंदर पहले, ये देखो सिंटैक्स आपको उनको बताया था, ए इक्वल वन, ये कौन सी वैल्यू थी अपनी, इंटीलाइज वैल्यू। ए लेस देन इक्वल टेन कहाँ तक चले, कंडीशन वैल्यू, कंडीशन वैल्यू तक चले यानी टेन तक चले। ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट वैल्यू, करली ब्रैकेट ओपन एंटर। फिर हमने यूज किया प्रिंटअप। प्रिंटअप के अंदर यहाँ पे किसका यूज करेंगे, स्लैश एन होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद सेमी कॉलम, कि हमने क्या है ये जो अपना वन से चले और कहाँ तक चलेगा, टेन तक, प्लस एन नेक्स्ट लाइन के लिए इसका यूज किया। फिर फॉर लूप हमने चलाया, यहाँ पे क्या डाला, बी इक्वल वन, बी वन से चले, बी लेस देन इक्वल ए तक चले, बी जो है अपना लेस देन इक्वल ए, ए तक चले, बी में प्लस प्लस हो जाए, बी प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट होता रहे, करली ब्रैकेट ओपन एंटर। अब यहाँ पे क्या यूज किया हमने, प्रिंटअप। प्रिंटअप के अंदर किसका यूज किया, यहाँ पे स्टार को हमने प्रिंट किया, किसको प्रिंट करवाया, स्टार को हमने प्रिंटअप किया। अब यहाँ पे सेमीकोलम एंटर, करली ब्रैकेट बंद, दोनों करली ब्रैकेट लास्ट में क्या करेंगे, बंद करेंगे, क्योंकि दो लूप स्टार्ट है तो दोनों को लास्ट में क्या किया, बंद। फिर हमने किसका यूज किया, गेट सी एच, गेट करेक्टर के लिए इसका यूज किया सेमीकोलम। एफ टू से फाइल को क्या करोगे, सेव। यहाँ पे एफ टू से फाइल क्या हो चुकी है अपनी, सेव। किस नाम से, डबल के डॉट सी के नाम से हमने फाइल को क्या किया, सेव।
अब जो इसके आगे जो एड्रेस आता है वो क्या होता है, सी ड्राइव में टीसी, टीसी क्या होता है, टर्बो सी का नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर बीन नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें अपने क्या है जो भी फाइल लिखोगे वो फाइल उसके अंदर सेव हो जाएगी। ओके करेंगे तो डबल के डॉट सी के नाम से आपकी फाइल क्या हो चुकी है, सेव होगी। ऑल्ट एफ नाइन करते हैं, वो किस लिए होता है, कंपाइल के लिए, यानी एरर को चेक करने के लिए। अब इसमें एरर क्या, आपने सक्सेस दिखा रहा है, एंटर किया। कंट्रोल एफ नाइन करते हैं, कंट्रोल एफ नाइन करोगे तो अपना क्या है पिरामिड स्टार यहाँ पे शो करेगा। अब देखो हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि जो अपना ए है वो तो 1 से कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा, और जो बी है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ए के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर बी अपना ए 1 है तो ये 1 के अकॉर्डिंग चलेगा, 2 है तो इसके अंदर 2 ऐड करता जाएगा, 3 है तो 3 ऐड, इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा पिरामिड स्टार यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने पिरामिड स्टार लिख रखा है, पिरामिड स्टार की जगह आप और कोई सिंबल, स्टार की बजाय और कोई सिंबल भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, इसके अंदर देख सकते हो। जैसे हमने क्या डाला, डॉलर सॉरी एंड परसेंट का साइन डाला, F2 से सेव, कंट्रोल F9 करते हो तो एंड परसेंट से अपना क्या है सिंबल इस टाइप से भी देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे डॉलर यूज करना है तो डॉलर का भी आप सिंबल यहाँ पे देख सकते हो। एंड परसेंट की जगह किसका साइन लग जाएगा, डॉलर का साइन आप लगाओगे, कंट्रोल एफ नाइन किया तो डॉलर का सिंबल लग जाएगा। इस टाइप से हम क्या है पिरामिड स्टार तैयार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अपने को काउंटिंग लेनी है तो काउंटिंग कैसे लोगे, आपको बता रखा है कि काउंटिंग के लिए किसका यूज करेंगे, परसेंट डी का यूज करते हैं। नंबर की वैल्यू के लिए किसका यूज करेंगे, परसेंट डी, सिंगल कोमा, यहाँ पे किसको प्रिंट किया हमने, बी को प्रिंट किया, बी को क्या किया प्रिंट। उसके बाद क्या अपना यहाँ पे बी को प्रिंट करवाने के बाद बी को प्रिंट किया, अब अपना ऑल्ट प्लस एंटर कंट्रोल एफ नाइन, जैसे ही रन करवाते हो तो अपना क्या है 1 से 10 तक काउंटिंग भी पिरामिड स्टार में शो करेगा। ठीक है, इस टाइप से हम क्या है यहाँ पे काउंटिंग भी आप ले सकते हो। सेकंड जो अपना प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नेम क्या है अपना, फोर लूप के अंदर, फोर लूप इन रेक्टेंगल स्टार, किस चीज का प्रोग्राम रहेगा, रेक्टेंगल स्टार। अब इसमें रेक्टेंगल स्टार के अंदर क्या है अपना यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप में अपने स्टार को शो करता है। इसमें हमने हैश का यूज किया प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए, इंक्लूड शामिल होना, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल, ये हेडर फाइल हमने यहाँ पे यूज की। सेकंड हेडर फाइल हम स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड कोनियो, कोनियो की फुल फॉर्म क्या होगी, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच मीन्स हेडर फाइल, ये हमने दोनों हेडर फाइल यहाँ पे स्टार्ट की। उसके बाद फिर किसका यूज किया, void, void क्या होता है null, main क्या होएगा प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, main क्या होता है फंक्शन यानी प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे curly bracket open, curly bracket close, इसके बीच में क्या है जो भी आप मैटर लिखोगे वो अपनी क्या होगी कोडिंग होगी, और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या डाला है हमने यहाँ पे int, integer, integer के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिए, rc, R क्या है रो और C क्या अपना कॉलम, सेमीकोलम एंटर, CLR SCR क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, इससे क्या अपना यानी क्लियर स्क्रीन पीछे वाला मैटर क्लियर होता जाएगा, अब वाला मैटर शो रही है। फिर अपना क्या है लूप चलाया हमने, फोर लूप, फोर लूप चलाया, फोर में क्या डाल दिया हमने, रो जो है अपनी 1 से चले, रो 1 से चले, और कंडीशन क्या डाल दी हमने, कंडीशन यानी 20 तक चले। फिर क्या है आर प्लस प्लस, मतलब उसके अंदर इंक्रीज होता रहे, उसके अंदर एक एक जुड़ता रहे, तो ये क्या है अपना आर प्लस प्लस, मतलब रो में क्या होता जाए एक एक जुड़ता जाएगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंटर, अब इसके अंदर हमने किसका यूज किया, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमास स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए इसका यूज किया हमने, सेमीकोलम एंटर, फोर लूप हमने स्टार्ट किया। अब इसके अंदर क्या डाला, के 1 से चले, और के जो सॉरी के की बजाय हमने क्या ले रखा, सी वेरिएबल ले रखा, सी अपने को चलाना, सी जो अपना 1 से चले, और कंडीशन क्या डाल दी कहाँ तक चले अपने, 20 तक चले, जो रो है अपनी वो भी 1 से 20 तक चलेगी, कॉलम भी 1 से 20 तक चले, और सी में क्या होता जाए प्लस प्लस, सी में प्लस प्लस होता जाएगा, करली ब्रैकेट ओपन एंटर। अब यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, प्रिंट ऑफ,
प्रिंटफ के अंदर किसका यूज किया हमने, स्टार का यूज किया, स्टार को हमने क्या किया प्रिंटफ, कर्ली ब्रैकेट यानी सेमीकोलन एंटर, कर्ली ब्रैकेट दोनों क्या करेंगे बंद करेंगे। फिर किसका यूज करोगे गेट सी एच, गेट सी एच किस लिए यूज करते हैं, गेट करेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है। सेमीकोलन एफ टू से फाइल को क्या किया सेव, अब यहाँ पे किस नाम से फाइल सेव कर दी हमने, आर ई सी पी डॉट सी के नाम से हमने फाइल को सेव किया। अब एफ टू से फाइल को क्या किया सेव, ऑल्ट एफ नाइन करते हो तो अपना प्रोग्राम के अंदर एरर को चेक करता है, सक्सेस दिखा रहा है। अगर बाई चांस हमने यहाँ पे सेमीकोलन हमारा मिस हो गया, ऑल्ट एफ नाइन करोगे तो ये देखो एरर को अपने क्या है शो कर देगा। अब जहाँ पे भी आपकी एरर होगी उससे पहले वाले यानी नेक्स्ट रो के अंदर ये अकर्सर दिखाता है, उससे पहले वाली रो को आप चेक करोगे कि आपके क्या मिस्टेक इसके अंदर शो कर रहा है। ऑल्ट एफ नाइन करोगे तो अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर थी उसको हटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या ऑल्ट एफ नाइन किया हमने, कंट्रोल एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन किस लिए करते हैं, प्रोग्राम को रन करने के लिए। जैसे ही प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल स्टार में अपना प्रोग्राम बन जाएगा। अब हमने क्या है यहाँ पे 30 भी डाल सकते हो तो 30 तक आपका दिखा देगा, रो जो है वो 30, कॉलम 30 डालना चाह रहे हो 25 डाल दिया यहाँ पे कि जो कॉलम है वो अपनी 25 तक दिखाए तो 25 तक अपनी कॉलम को शो करेगा, रो अपनी 20 तक ही चलेगी। इस टाइप से अपना क्या है रेक्टेंगल स्टार का हम प्रोग्राम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल आपको पता है कि कुछ भी आप वेरिएबल फिल कर सकते हो, ए बी की जगह हमने यहाँ पे आर सी वेरिएबल लिए तो आर सी भी आप प्रेस कर सकते हो। आर जो है हमने 1 से चले और कहाँ तक बताई 20 तक, फिर स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए, और सी जो है वो कहाँ तक चलेगी अपनी 25 तक चलेगी, स्टार को हमने क्या किया प्रिंट अप। अब जो अपना क्या है यहाँ पे हमने यूज किया एक कर्ली ब्रैकेट अपनी रहेगी, हम मिस हो गए तो आप क्या है ऑल्ट एफ नाइन करोगे तो ये एरर दिखा देगा, वन स्टेटमेंट मिसिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोज की दिखा रहा है। एंटर किया आप देखोगे क्लोज हमने कर रखी है। फिर आप क्या है फोर लूप को चेक करोगे, फोर लूप हमारा क्या है रो फिर फोर लूप कॉलम दोनों की कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे क्या किया बंद। एफ टू से सेव किया, कंट्रोल एफ नाइन, आप देखो 1 से 20 तक आपने क्या रो दिखा रहा है, 1 से 25 तक अपनी कॉलम को शो कर रहा है। अब जैसे ही इसमें क्या है यहाँ पे गेट सी एच का यूज नहीं करते हम, गेट सी एच का यूज हाइड कर दिया इसको। अब क्या है कंट्रोल एफ नाइन किया, देखो आपने क्या है यानी एरर कुछ नहीं दिखाएगा, एरर क्या दिखा रहा है जीरो दिखा रहा है, लेकिन कंट्रोल एफ नाइन करोगे ना तो इसमें आउटपुट को नहीं शो करेगा आपका, तो इसलिए गेट सी एच का यूज किस लिए करते हैं, आउटपुट को देखने के लिए किसका यूज करेंगे गेट सी एच का यूज करते हैं। कंट्रोल एफ नाइन किया तो अपना क्या प्रोग्राम दिखा लें। अब यहाँ पे क्या है क्लियर स्क्रीन का भी आपको पता है कि अगर क्लियर स्क्रीन नहीं करते तो पहले वाले आउटपुट को भी शो करेगा और अब वाले को भी शो करता है। स्लैश एन किस लिए यूज किया, नेक्स्ट लाइन के लिए, इसको अगर हाइड कर देते हैं कंट्रोल एफ नाइन करोगे तो अपना क्या है यहाँ पे स्लैश नेक्स्ट रो में नहीं शो करेगा, अपना कॉलम में इस टाइप से दिखाता रहेगा। ये तो अपना प्रोग्राम रेक्टेंगल का, अगर इसको क्या करेंगे अनहाइड करेंगे तो अपना क्या है आउटपुट सही दिखाता है। अब जैसे आपको क्या क्या है जो रेक्टेंगल स्टार है इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जो रेक्टेंगल स्टार आपको करवाया है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब कंट्रोल एफ नाइन किया तो इसके आउटपुट आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा कर लेना, पूरा स्टार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था अपना वो किस नाम से था, यहाँ पे डबल के डॉट सी के नाम से हमने सेव कर रखा है। वो प्रोग्राम क्या था अपना पिरामिड स्टार, इसके अंदर क्या है पिरामिड स्टार को हमारा शो कर रहा है। ए जो है 1 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा 10 तक, प्लस एंड नेक्स्ट लाइन के लिए बी 1 से चलेगा, बी किसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा ए के अकॉर्डिंग, बी में क्या होता जाए प्लस प्लस, बी को हमने क्या किया प्रिंट अप। कंट्रोल एफ नाइन करोगे तो ये पिरामिड स्टार में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे स्टार लेके आने हैं तो इसमें क्या है बी की जगह हम क्या है स्टार को प्रिंट अप करेंगे।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पिरामिड स्टार का। कंट्रोल F9 करोगे तो आउटपुट आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये था आज का प्रोग्राम। अब जो भी प्रोग्राम आपको कराए, अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है तो वो पूछ सकते हो। जो भी आपको यानी प्रोग्राम करवाया उसमें अगर कहीं से कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।